बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन टी एस टी स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने ट्रेजर ऑफ नॉलेज पिटानी सीरीज फोर्थ एडिशन द लेटेस्ट एंड फोर्थ एडिशन को शुरू किया हुआ है। इस बुक के दो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम नंबर 1 एंड वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम नंबर 1 में क्लास 4th से लेकर क्लास 8 तक, और ये भी याद रखें कि न्यू कोर्स इसमें शामिल है, पुराना नहीं है। इस वक्त जनरल साइंस क्लास 4th हमल कर रहे हैं, वीडियो नंबर 17 है। इस क्लास के मजीद, जनरल साइंस के मजीद 5 वीडियोस होंगे। आज यूनिट नंबर, इस वक्त यूनिट पर 7, आई थिंक 7 है, और ये 11 तक यूनिट्स है, तो मजीद 4-5 वीडियोस आएंगे इस सीरीज में। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं डायरेक्टली, बिटानी सीरीज के वेबसाइट पर, वहां से हल कर लेते हैं। एंड दिस इज यूनिट नंबर 7, अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेस, यूनिट नंबर 7। इस यूनिट में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लास इज मेड फ्रॉम, शीशा जो है ना ये रेत से बनता है, सैंड। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। क्वेश्चन नंबर 2, अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, जमीन का टोटल हिस्सा 71% दोस्तों ये पानी पर मुश्तमिल है, और 29% खुश्की पर है, लैंड। तो ऑप्शन सी 29%। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखे, टू मेक थिंग रीयूजेबल इज कॉल्ड व्हाट, चीजों को रीयूजेबल, दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए आपको उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। रिसाइकल मीन उसके अज्जा को पीस कर दोबारा कोई चीज बना देना, उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। ऑप्शन सी ए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज को कहते हैं जिसको दोबारा रिसाइकल न किया जा सके और रीयूजेबल ना बनाया जा सके, दैट इज ऑयल, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, द बेसिक मटेरियल डेट ह्यूमेंस गेट फ्रॉम लैंड सी और एयर इज कॉल्ड व्हाट, नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ अल्लाह, ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ जाते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन के, अबाउट ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितना कल्टिवेटेड लैंड है, काबिल काश्त जमीन, उसका सिर्फ 11% इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखे, ऑन द ग्लोब ब्लू कलर रिप्रेजेंट, ग्लोब जो होते हैं ना उसका ब्लू कलर, इस तरह जो ग्लोब होता है उसमें ब्लू कलर्स होते हैं, कुछ हिस्से उसमें ब्लू होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वाटर, दैट रिप्रेजेंट वाटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ वाटर, ये ऑन की जगह ऑफ होना चाहिए, और ये अभी आपको मैंने बताया कि 71% है, 71, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 9 अबाउट ऑफ द अर्थ ऑफ द वाटर रिप्रेजेंट, अच्छा ये 71% पानी जो है ना, इसमें 97% समंदरों में पाई जाता है, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो, सतह जमीन का 71% पानी है, अब ये 71% में 97% जो है ना ये ओशंस में पाए जाते हैं, पानी का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखे, वर्ल्ड साइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th December, ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखे, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज कंप्लीटली कवर्ड विद ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि फॉरेस्ट कवर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो टोटल फॉरेस्ट का हिस्सा है वो 5.2 है, और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 25% होना चाहिए, ये याद रखें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 नंबर क्वेश्चन को, पाकिस्तान लार्जेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ बलूचिस्तान, जियारत में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्रूड ऑयल फाउंड अंडरग्राउंड, ऑप्शन बी यहां भी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, ऑप्शन ए नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड लार्जेस्ट मेन ऑफ नेचुरल सॉल्ट, मेन नहीं माइन है, सॉरी, द सेकेंड लार्जेस्ट माइन ऑफ नेचुरल सॉल्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन कीवड़ा पाकिस्तान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मिनरल्स, गोल्ड सिल्वर सॉल्ट, ऑल ऑफ दीज आर मिनरल्स, ऑप्शन डी। यस, और देखिए आगे क्वेश्चन है, द रिमेन इंपेरिमेंट ऑफ ऑल एनिमल्स आर कॉल व्हाट पजल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक, 22nd, इन द फॉलोइंग फिगर आर शोन, इसमें क्या दिखाया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आई थिंक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल सनलाइट रेन टाइड्स ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, पेट्रोलियम, ऑप्शन सी। यस, क्वेश्चन नंबर 22, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम विंड, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 23,
द ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन डी और आखिरी दो क्वेश्चन देखिए इस यूनिट का Which of these is not a renewable source of energy? Natural gas. Option B. And last question. Protecting natural resources is called what? Conservation. That is called conservation. Option B is the correct option. तो ये यूनिट अख्तिताम को पहुंच गया. नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर हाजिर होंगे दोस्तों. Thank you for watching.